सत श्री अकाल पंजाबी खबरां देखने वाले दर्शकों का मैं राजविंदर कौर स्वागत करती हूं। खबरों का सिलसिला शुरू करने तो पहला नजर मारते हैं सुर्खियों के वल। पंजाब विच कोरोना का कहर जारी, 24 घंटे दौरान 178 लोगों की गई जान, 4539 नवे केस हुए दर्ज। पंजाब सरकार ने लिया वड्डा फैसला, हस्पतालों में कोविड 19 तो सेहतयाब हुए मरीजों की ऑक्सीजन संबंधी जरूरतों को पूरा करने लिए घर विच वरतों लिए ऑक्सीजन कंसट्रेटर्स की की गई वंड। पंजाब स्कूल सिक्ख्या बोर्ड वालों ऐलाना गया 5वीं जमात का नतीजा, रिजल्ट च कुड़ियां ने मारी बाजी, नतीजा 99.76% रहा। पंजाब विच कोरोना के अंकड़े थोड़ी राहत देने वाले ने, 24 घंटे दौरान 171 लोगों की जान गई है, 4539 नवे केस दर्ज किए गए ने। पटियाला विच सब तो वध 17 मौतां दर्ज की गई ने। एक्टिव मामलों की तादाद 54996 हुई, कुल मामलों की तादाद 543475 हो चुकी है। जे चंडीगढ़ की गल करिए तो चंडीगढ़ प्रशासन ने लोगों को वड्डी राहत देंदे हुए शहर में सवेरे 9 बजे तो दोपहर 3 बजे तक सारिया दुकाना खोलन की परवानगी दे दी है। हालांकि शाम 6 बजे तो सवेरे 5 बजे तक रात का कर्फ्यू ते हफ्तावारी कर्फ्यू पहला वांग ही जारी रहेगा। पंजाब सरकार ने हस्पतालों में कोविड 19 तो सेहतयाब हुए मरीजों की ऑक्सीजन संबंधी जरूरतों को पूरा करने लिए घर विच वरतों लिए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स वंडन की आग्या देने का फैसला किया है। जानकारी सेहत ते परिवार भलाई मंत्री बलवीर सिंह सिद्धू ने दी। उन्होंने कहा है कि जिला अधिकारियों को उन्होंने मरीजों को ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जारी करने की आग्या दी गई है, जिन्होंने हस्पतालों तो डिस्चार्ज होने तो बाद कुछ दिनों लिए घट ऑक्सीजन संबंधी सहायता की लोड़ है। बलवीर सिंह ने कहा कि यह दिशा निर्देश घरेलू एकांतवास अधीन मरीजों ते लागू नहीं होंगे, क्योंकि अजिहे मरीज जिन्होंने ऑक्सीजन सहायता की लोड़ होवे नूं व्यापक देखभाल लिए हस्पताल लिया जाना चाहिए। कोविड तो सेहतयाब हुए मरीजों नूं डाक्टर हस्पताल की सलाह ते ही घर विच ऑक्सीजन की वरतों की इजाजत दी देवेगा। मोडर्ना तो बाद एक होर कोविड टीका निर्माता फाइजर ने पंजाब नूं सीधे टीके भेजन तो भी इनकार कर दिया। सूबे सरकार वालों पहुंच करन तो बाद फाइजर ने सूबे विच कोविड 19 महामारी नाल निजिठण संबंधी पंजाब सरकार दीआं असाधारण कोशिशां दी शलाघा करदिआं कहा कि उन्हां दी अपनी नीति अनुसार वो सिर्फ भारत सरकार नाल ही समझौता कर सकते ने। पंजाब स्कूल सिक्ख्या बोर्ड वालों 5वीं जमात का नतीजा ऐलानिया गया, रिजल्ट विच कुड़ियां अगे रही ने। इम्तिहान विच 3,14,472 विद्यार्थी बैठे सन, इन्हां विचों 3,13,712 विद्यार्थियों ने प्रीख्या दी। नतीजा 99.76% रहा, पिछले साल प्रीख्या का नतीजा 100% रहा। बोर्ड के चेयरमैन योगराज ने नतीजे ऑनलाइन घोषित किए। जानकारी अनुसार बोर्ड की तरफों 5वीं क्लास लिए राज भर में 18,053 प्रीख्या केंद्र स्थापित किए गए सन, जिथे प्रीख्या 6 फुट की दूरी से आयोजित की गई थी। इस दौरान 6 विचों 4 विषयों की प्रीख्या हुई थी, इन विचों स्वागत जिंदगी अते गणित विषयों की प्रीख्या नहीं हुई। नतीजा इन्होंने 4 विषयों के अंक से आधारित है। कोविड के कारण प्रीख्या में 70% सिलेबस घटा दिया गया, नंबर के अनुसार ग्रेडिंग की गई थी। हालांकि 19 विद्यार्थी सकारात्मक होने कारण पेपर नहीं दे सके सन। पेंडू खेतर के विद्यार्थियों के नतीजे शहरी नालों बहुत वधिया रहे ने। रायकोट के राधा स्वामी सत्संग घर विच SDM रायकोट डॉक्टर हिमांशु गुप्ता की देखरेख हेठ करवाए एक विशेष समागम दौरान पहुंचे जिला डिप्टी कमिश्नर वरिंदर शर्मा वालों सांसद मैंबर डॉक्टर अमर सिंह की मौजूदगी विच जिला प्रशासन वालों रायकोट शहर नूं कोरोना मुक्त करने लिए 100% वैक्सीनेशन का टीचा मिथ्या गया। इस मौके बोलदिया डिप्टी कमिश्नर वरिंदर शर्मा ने कहा कि कोरोना की दूजी लहर सोच नालों ज्यादा खतरनाक होकर उभरी है। जेकर अज इस महामारी नूं काबू करने लिए यतन ना किया गया तो विज्ञानियों का कहना है कि इस महामारी की तीजी लहर होर भी ज्यादा खतरनाक हो सकती है। उन्होंने कहा कि इस महामारी तो बचने का एको एक उपाय टीकाकरण है, क्योंकि आंकड़े दसते हैं कि टीकाकरण तो बाद ही इस बीमारी से ठल पाई जा सकती है।
दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने स्थानक संगतों की मांग से असाम ते जम्मू कश्मीर के लोगों लिए आक्सीजन कंसनट्रेटर की पहली खेप रवाना की है। खेप रवाना करने मौके गल करदियां दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के जनरल सकत्तर ते श्रोमणी अकाली दल की दिल्ली इकाई के प्रधान सरदार हरमीत सिंह कालका ने दसिया कि सानू असाम ते जम्मू कश्मीर तो संगत यह बेनती कर रही थी कि उत्थे आक्सीजन कंसनट्रेटर की जरूरत है। उन्होंने कहा कि कमेटी ने दोवां थावां लई 15-15 कंसनट्रेटर रवाना किए ने। उन्होंने दसिया ऑक्सीजन कंसनट्रेटर संगतां वालों ही कमेटी नूं दिते गए सन ते कमेटी संगतां प्रति अपना फर्ज समझदिआं मनुखता दी सेवा विच इह अगे भेज रही है। सरदार कालका ने कहा कि असाम तो नाल ऑल असाम सिख यूथ एसोसिएशन अते जिला गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बडगाम कश्मीर तो यह बेनतियां कमेटी कोल पहुंचियां सन जिस लई इह अज कारवाई की गई है। भारत के महान दौड़ाक मिल्खा सिंह नूं हस्पताल विच दाखिल करवाया गया जो कोविड-19 पॉजिटिव आने तो बाद अपने घर विच एकांतवास सन। उन्हां दे बेटे ते चोटी दे गोल्फर जीव मिल्खा सिंह ने कहा कि सावधानी दे तौर ते उन्हां नूं मोहाली च फोर्टिस विच दाखिल करवाया गया है। 91 सालां दे मिल्खा सिंह बुधवार नूं कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए सन जिस तों बाद उह चंडीगढ़ विच अपने घर विच एकांतवास सन। हस्पताल दे सूत्रां ने कहा कि मिल्खा दी हालत स्थिर है। जीव ने कहा कि उन्हां नूं हस्पताल विच दाखिल करवाया गया, उह कमजोरी महसूस कर रहे सन ते कल तो कुछ नहीं खा रहे सन इसलिए उन्हां नूं हस्पताल विच भर्ती करवाया गया। हालांकि उन्हां दे पैरामीटर ठीक दिख रहे ने पर असीं सोचिया कि उन्हां नूं दाखिल कराउणा ही सुरक्षित होवेगा। हस्पताल च उह सीनियर डाक्टरां दी निगरानी विच रहणगे। पंजाब दे मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने वेस्ट पंजाब नूं अजिहा मॉडल तैयार करन लई आख्या जिथे केस आधारित उद्योगां दीआं लोड़ां अनुसार उद्योगां नूं प्रोत्साहन दित्ते जाण। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग राहीं पंजाब ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रोवेशन दे बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की तीजी मीटिंग की प्रधानगी करदिआं मुख्यमंत्री ने अगे कहा कि हाल ही विच पास कीता लाल फीताशाही विरोधी बिल लोगों नूं सेवावां देण विच सुधार लियाउण ते उद्योगों नूं कारोबार विच सौख मुहैया कराउण लई सरकार दे सुधारां दे प्रोग्रामां दा हिस्सा है तां जो सरकारी प्रक्रियावां ते पहलां ही मुड़ विचार करन अते इस नूं वधेरे निवेश पक्षी बनाया जा सके। इस दौरान इन्वेस्ट पंजाब दे सीईओ रजत अग्रवाल ने ब्यूरो वल्लों पिछले 4 सालां दौरान किते कम्मां बारे पेशकारी कीती है। दस्सिया गया कि 84,500 करोड़ रुपए के 2,394 प्रोजेक्ट सूबे विच आए ने। इन्हां विचों 53% प्रोजेक्टां वल्लों अपना व्यापारिक उत्पादन पहलां ही शुरू कर दिता गया है। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब दिनकर गुप्ता ने पुलिस के शहीद सहायक सब इंस्पैक्टर दलविंदरजीत सिंह उन्होंने जद्दी पिंड संघवा तरन तारण स्थित गुरु नानक सिंह सभा गुरुद्वारा विखे भोग समारोह दौरान ऑनलाइन ढंग निघी श्रद्धांजलि भेंट की। एसआई दलविंदरजीत सिंह जो 1994 कॉन्सटेबल वजो पुलिस फोर्स में भर्ती हुए सन इस समय लुधियाना दिहाती पुलिस की क्राइम इन्वेस्टिगेशन यूनिट विंग में तैनात सन। 15 मई 2021 जगराओं में अपराधियों से नशा तस्कर हुए मुकाबले दौरान शहीद हो गए सन। डीजीपी ने कहा कि एसआई दलविंदरजीत ने अपनी बहुती सेवा जगराओं में निभाई ते बड़ी बहादुरी नाल अपराधियों का मुकाबला किया। उन्होंने यह भी भरोसा दिता कि एसआई दलविंदरजीत सिंह के परिवार को एचडीएफसी बैंक वालों राहत वजो 1 करोड़ रुपए की राशि दी जाएगी। इस तों इलावा उन्होंने लड़के की नौकरी की उम्र होने ते पुलिस में नौकरी भी दी जाएगी। हिसार विच 16 मई नूं मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर दे करोना हस्पताल दे उद्घाटन तों बाद पुलिस ते किसानां विचकार होई झड़प ते 350 किसानां खिलाफ इरादा कतल ते होरनां धारावां तहत केस दर्ज किया गया सी जिस दे विरोध विच किसान जथेबंदियां ने हिसार विच रोस प्रदर्शन किया। इस दौरान किसानां दे दबाव हेठ हरियाणा सरकार ने हिसार विच दर्ज पुलिस केस रद्द करन दा फैसला किया जदों कि पहलां वी किसानां खिलाफ दर्ज होरन केस वापस लैण लई 1 महीने दे समें दी मंग कीती गई सी। इस तों इलावा अज दे प्रदर्शन दौरान शहीद होए किसान रामचंद्र दे एक परिवारक मैंबर नूं सरकारी नौकरी देण दा फैसला किया गया। प्रगटावा हरियाणा सरकार दे सीनियर अधिकारियों ने संयुक्त किसान मोर्चा दे आगू राकेश टिकैत गुरनाम चढ़ूणी बलवीर सिंह राजेवाल जोगिंदर सिंह उग्राहां सने होरनां आगूआं नाल 2 घंटे की बैठक तों बाद लिया गया। दसनयोग है कि किसान जथेबंदियां दे आगूआं ने रोस प्रदर्शन दौरान ऐलान कर दिता सी कि जेकर हरियाणा सरकार उन्हां दी मंग नहीं मानदी तां हिसार विच इक होर अंदोलन शुरू कर दिता जाएगा।
गदर लहर के महान हीरो आजादी घुलाटी शहीद करतार सिंह सराभा के 125वां जन्मदिन उन्होंने जद्दी पिंड सराभा विखे समूह पिंड वासियों से शहीद करतार सिंह स्पोर्ट्स क्लब वालों श्रद्धा भावना से उत्साह के नाल मनाया गया। कोरोना महामारी के चलद सराभा का जन्मदिन सादे ढंग नाल मनाया गया, जिस दौरान पिंड के गुरद्वारा साहब विच श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के सहज पाठां दे भोग पाए गए ते गुरु चरणां विच अरदास की गई। उत्थे ही विधानसभा हलका दाखा के विधायक मनप्रीत सिंह अयाली ते हलका रायकोट के विधायक जगतार सिंह जग्गा हिस्सोवाल ने उन्हां दे बुत उपर फुल मलावां पा के उन्हां नूं सजदा कीता। गुरदासपुर के पिंड रंधावा कलोनी के एक व्यक्ति की लेह लद्दाख जाते समय ट्रक हादसे में मौत होने की खबर सामने आई है। प्राप्त जानकारी मुताबिक मृतक का नाम जसवंत सिंह दसिया जा रहा है, जो पेशे तो ट्रक चालक सी ते पठानकोट तो वाया मनाली लेह नूं अपने ट्रक राही भारतीय फौज का समान ले जा रहा है कि अचानक ट्रक डूंगी खड्ड च जा डिग्गिया, जिस कारण ट्रक चालक की मौत हो गई। परिवार वाले ने सरकार तो मुआवजे की मांग की है। पिछले दिन जिला बठिंडा के पिंड बीड़ तलाब विखे गुरद्वारा साहिब च विवादित अरदास का मामला अजे ठंडा नहीं होया सी कि अगले ही दिन कुछ शरारती अंसरां वालों डॉक्टर अंबेदकर नगर संगरूर के गुरद्वारा भगत रविदास जी विखे गुरमर्यादा के उल्ट अरदास करवा के कुछ राजनीतिक लोगों वालों अपने निजी हितों लिए ब्रह्म मर्यादा का मजाक उड़ाया गया। इन्होंने दोहां मामलों के दोषियों विरुद्ध सख्त कार्रवाई की मांग लैके सिख जथेबंदियों का वफद संगरूर के डिप्टी कमिश्नर रामवीर नूं मिलिया। इस मौके उन्होंने एस एस पी विवेक सोनी के नाम मांग पत्र सौंपिया ते फौरी कार्रवाई की मांग भी की। इस नाल ही खबरों का सिलसिला इतने समाप्त होंदा है। नवीं ताज़ा खबरों के नाल फिर हाजिर होवांगे। तद तक लई दिओ इजाजत, धन्यवाद।